पूज्य महात्मा गांधी की जयंती पर हिंदी में निबंध महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाकर देश को नई राह दिखाकर चलना सिखाया जीवन पथ पर। ए महात्मा करते हैं याद तुम्हें जीवन भर, करते हैं याद तुम्हें जीवन भर। भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाने वाले महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उन्हें पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बापूजी के नाम से जानते हैं। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। माता पुतलीबाई धार्मिक स्वभाव वाली अत्यंत सरल महिला थी। मोहनदास के व्यक्तित्व पर माता के चरित्र की छाप स्पष्ट दिखाई दी। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई पोरबंदर के मिडिल स्कूल में हुई और हाई स्कूल राजकोट से किया। आगे की पढ़ाई वकालत करने हेतु लंदन गए। लंदन से वकालत की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने मुंबई में वकालत और बाद में दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भारतीयों पर होने वाले नस्लीय भेदभावों का सामना करना पड़ा। एक बार गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का ट्रेन का टिकट होने के बावजूद भी नस्लीय भेदभाव के चलते उन्हें थर्ड क्लास में बैठने को कहा गया। जब उन्होंने थर्ड क्लास में बैठने को मना कर दिया तो उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। इस घटना का उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की जागरूकता उनमें उत्पन्न हुई और फिर यही से उनकी राजनैतिक जीवन का आरंभ हुआ। नस्लीय भेदभाव के खिलाफ उन्होंने कई आंदोलन किए। गांधी जी अपनी जिंदगी में हमेशा उच्च विचारों से चलते रहे। उनका लोगों पर एक अलग सा प्रभाव रहा। वह हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, असहकार आंदोलन, नमक का सत्याग्रह, दलित आंदोलन जैसे कई प्रकार के आंदोलन किए। गांधी जी के इन सारे प्रयासों से ही भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली। गांधी जी के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए। चाहे जिंदगी में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आए, कभी घबरा के पीछे नहीं हटना चाहिए। उस समस्या का डट के सामना करना चाहिए। आज भी पूरा भारत उनके ही आदर्श विचारों की राह पर मार्गक्रमण कर रहा है। अंत में उन्हें प्रणाम करते हुए इतना ही कहेंगे, महात्मा गांधी जी की जय। बापूजी, बापूजी अमर रहे, बापूजी अमर रहे। दोस्तों, यह निबंध पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो जरूर शेयर कीजिए। फिर से एक बार पूज्य महात्मा गांधी जी को प्रणाम। धन्यवाद।